चलो इस वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज करता है कब? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? हम सबको पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए, तो जो रो होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। पहली बात, डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कंडक्टर छोटा है बड़ा है, जैसे मान लो आयरन का पीस है तो वो थीन है, थीक है, लंबा है, छोटा है, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। एरिया, क्रॉस सेक्शन, रेडियस, लेंथ, इन सब पे डिपेंड नहीं करता यार। तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। एरिया क्रॉस सेक्शन से तो रो चेंज नहीं होगा, ये गलत है। लेंथ इंक्रीज करने से रो चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से रो चेंज नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर से डिपेंड करता है, मेटल है तो मेटल के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो मेटल के लिए रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो है ये एक इक्वेशन है, आप पढ़े होंगे, रो रेजिस्टिविटी है, रो नॉट टेम्परेचर यहाँ दो है, ठीक है, यहाँ से इज इक्वल टू रो नॉट इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा टी नॉट माइनस टी। तो टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो है और टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो नॉट है, ठीक है। चलो तो अल्फा है मेटल के लिए, जो अल्फा होता है मेटल के लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा पॉजिटिव है तो रो नॉट की, रो की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर टेम्परेचर मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ये मेटल के लिए है। बट अल्फा निगेटिव, बट इफ अल्फा इज इक्वल टू निगेटिव भी होता है, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया एंड कार्बन हो गया, इनके लिए अल्फा निगेटिव होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो ये सेमीकंडक्टर और कार्बन के लिए और ये मेटल के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, दैट इज इंक्रीज विथ टेम्परेचर। कंडक्टर दिया है तो कंडक्टर के लिए तो इंक्रीज ही होगी, जो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए।